नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भौतिक भूगोल में पर्वत निर्माण के एक छोटे टॉपिक जोली के रेडियो एक्टिवता सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। और ये जो सिद्धांत है ये पर्वत निर्माण से संबंधित है और जोली पर्वतों के निर्माण के लिए एक तत्व को महत्वपूर्ण मानता है जो यहाँ उसके सिद्धांत में जिक्र किया गया है, रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों का महत्वपूर्ण योगदान है जोली के सिद्धांत। जोली ने अपना सिद्धांत सन 1925 में प्रकाशित किया और ये जो सिद्धांत है ये हम पहले बात कर चुके हैं किससे संबंधित है, पर्वत निर्माण से संबंधित है। और जोली के सिद्धांत को एक अन्य नाम तापीय संकुचन सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय संकुचन सिद्धांत भी कहा जाता है जोली के सिद्धांत को। जोली ने अपना यह सिद्धांत अपनी पुस्तक द सरफेस हिस्ट्री ऑफ अर्थ में प्रकाशित किया, यानी पृथ्वी के धरातल का इतिहास, पृथ्वी के धरातल का इतिहास इस नाम से इस पुस्तक में से प्रकाशित किया गया। जोली के सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य यह था कि वो धरातल का क्रमिक वार ऐतिहासिक विवरण जो है वो प्रस्तुत करे। तो अगर हम जोली के सिद्धांत के प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो वो धरातल का यानी सरफेस का हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव जो है, ऐतिहासिक जो विवरण है वो प्रस्तुत करता है। अब जोली अपने सिद्धांत को पूरी एक क्रम वाइज या स्टोरी वाइज लेकर चलता है। वो पहले बात करेगा कि महाद्वीपीय क्रस्ट में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, फिर कहेगा इसका घनत्व इतना है, फिर कहेगा सीमा इससे बनी है, महाद्वीपीय परत इससे बनी है, सियाल से बनी है, फिर वो इनमें रेडियो एक्टिव पदार्थ से उनका गलनांक बढ़ाएगा, फिर चट्टाने पिघलेंगी, फिर महाद्वीपों का अतिक्रमण होगा, फिर नीचे से अधस्तर जो है वो ऊपर आना शुरू होगा, फिर महाद्वीप पीछे खिसकेंगे और बीच का जो छिछला बेसिन है वो पर्वत के रूप में प्रस्तुत होगा। तो हम पूरे इस क्रम की बात करते हैं, कुछ 10 से 12 बातें हैं, इन्हीं पर जोली का सिद्धांत चलता है। तो हम पूरे विवरण की बात करेंगे, तो जोली के सिद्धांत की व्याख्या कैसे की गई उसने उस पर बात करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, पॉइंट वाइज चलती है। सबसे पहले जोली के सिद्धांत की जो मेन बात है वो ये है कि पर्वतों के निर्माण के लिए, पर्वतों के निर्माण के लिए कौन से पदार्थ जिम्मेवार हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ जिम्मेवार है। तो पहली बात उसने ये की कि पर्वतों के निर्माण के लिए कौन से पदार्थ जिम्मेवार है, रेडियो एक्टिव पदार्थ जिम्मेवार है। फिर वो कहता है दूसरी बात, हम क्रम में ही चलेंगे, वो कहता है कि महाद्वीपीय क्रस्ट जो है इसका घनत्व जो है वो है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और वो कहता है महासागरीय तली का घनत्व, महासागरीय तली का घनत्व जो है वो है 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दूसरी बात उसने अपने सिद्धांत को लेकर ये बोली। तीसरी बात पर उसने ये जिक्र किया कि महाद्वीपीय जो भाग है वो तो बना है सियाल से, और इसी के साथ उसने बोला है कि दुर्बलता मंडल या अधस्तर वो बने हैं सीमा परत से। अब वो यहां एक बात कहता है इसी के साथ कि महासागरीय तली में सीमा परत नहीं पाई जाती। ये बात थोड़ी सी स्पेशल है उसके लिए कि उसमें ये परत नहीं मिलती। तो पहली बात, पर्वत निर्माण के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ जिम्मेवार है। दूसरी बात,
महाद्वीपीय क्रस्ट का यानी उसने घनत्व पर बात की है। तीसरी बात, उन्होंने निर्माण में स्वेस की परतों को लेकर चलाया हुआ, स्वेस एडवर्ड स्वेस ऑस्ट्रिया का विद्वान, और उसने अपनी पुस्तक डर 48 डर अर्डे में जो है पृथ्वी की तीन परतें बताई हैं, सियाल सीमा और निपे। अब इसके बाद जूली अपने सिद्धांत में आगे एक बात का जिक्र करता है, वो कहता है कि सियाल जो परत है, चौथी बात पर लेके चल रहा हूं आपको, सियाल जो परत है, ये जो परत है इसके अंदर पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ, इसका तापमान 1050 डिग्री सेंटीग्रेड से 1150 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, और जब यहां ये तापमान 100 डिग्री इंक्रीज हुआ तो चट्टाने क्या होने लगती हैं, पिघलने लगती हैं, चट्टाने पिघलने लगती हैं। तो तापमान के बढ़ने से चट्टाने पिघलनी शुरू हुई, चट्टाने पिघलने से सीमा परत पर निचले भाग में महाद्वीप जो है वो अब नीचे धंसना शुरू होंगे, और जब महाद्वीप नीचे धंसना शुरू होंगे तो इससे छिछले बेसिन बनेंगे, और छिछले बेसिन जैसे ही बनेंगे तो पर्वत निर्माण के लिए एक मुख्य चीज भूसनत्ति का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। और भूसनत्ति को क्या बोलते हैं, पर्वतों का पालना। आप जितने भी सिद्धांतों में बात करेंगे पर्वतों का निर्माण भूसनत्ति से हुआ है। तो जोली ने क्या किया, इस भूसनत्ति को बनाने के लिए इस पूरे चक्र का प्रयोग किया। तो उसने इस भूसनत्ति के बनने के लिए किस पदार्थों को महत्वपूर्ण माना, रेडियो एक्टिव पदार्थों को महत्वपूर्ण माना। अब वो कहता है कि जब महाद्वीप नीचे धसेंगे, इस अवस्था को उसने नाम दिया महाद्वीपीय अतिक्रमण की अवस्था, महाद्वीपीय अतिक्रमण की अवस्था यहां से शुरू होती है जोली के अनुसार। और जैसे ही महाद्वीपों का अतिक्रमण होता है तो भूसनत्ति बनेगी। अब इसके साथ ही सीमा परत पिघली है, सीमा किससे बनी है, दुर्बलता मंडल अधिकतर से। अब इस सीमा परत से क्या होगा, ताप का उत्सर्जन होगा। अब जब सीमा परत से ताप का उत्सर्जन होगा तो अधस्तर संकुचित होने लगेगा, क्योंकि ताप ऊपर जा रहा है। अब अधस्तर के संकुचित होने से महाद्वीप क्या हटने लगेंगे, तो अधस्तर यानी ये परत, यहां से जब तापमान या पदार्थ ऊपर जाएंगे तो महाद्वीप कहां हटेंगे, पीछे की तरफ हटेंगे, महाद्वीप पीछे जाएंगे। पीछे जाने से यहां जो भूसनत्तियां बनी है वो वलित होकर क्या बन जाएंगी, पर्वत बन जाएंगी। ये जोली का सिद्धांत है। वो कहता है कि पर्वतों का निर्माण जो है वो इस प्रकार से होता है, और पर्वतों की उत्पत्ति के लिए वो दो प्रकार के संपीड़न का जिक्र करता है। अभी हमने ये बात की पूरी, हम इस पर और क्लासिफाइड से बात करते हैं कि जब महाद्वीपों का अतिक्रमण होगा, जब महाद्वीपों का अतिक्रमण होगा तो सियाल परत से किस सीमा परत से किसका उत्सर्जन होगा, ताप का उत्सर्जन होगा। तो ये भूसनत्ति का भाग, नीचे से सीमा परत में ताप का उत्सर्जन हुआ। अब जैसे ताप का उत्सर्जन हुआ तो कौन सा संचलन हुआ है, ऊर्ध्वाधर संचलन हुआ है। तो जोली अपने सिद्धांत के लिए दो संचलनों की बात करता है पर्वत निर्माण के लिए। पहला ऊर्ध्वाधर संचलन कौन सी परत में हुआ है, सीमा परत में हुआ है भाई, और किस कारण हुआ है, ताप के उत्सर्जन के कारण हुआ है। जैसे उत्सर्जन होगा महाद्वीप कहां जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे। तो दूसरा संचलन महाद्वीपों का है, और ये कौन सा संचलन है, क्षैतिजीय संचलन है। इससे भूसनत्ति पर वलन पड़ेंगे और बीच का भाग ऊपर उठकर क्या होगा, पर्वत बनेगा। इसलिए बीच का भाग ऊपर उठकर क्या बनेगा, पर्वत का निर्माण होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। अब जोली का जो सिद्धांत है, एक अच्छी बात ये है, ये कहता है कि पर्वतों का निर्माण हमेशा महाद्वीपों के किनारों पर होता है। जैसे हमने बात की है कि कोबर का सिद्धांत जो है वो पूर्व पश्चिम में फैली हुई पर्वत श्रृंखलाओं के लिए बात करता है, ज्यादातर उत्तर दक्षिण के लिए वो बात नहीं करता। परंतु जोली का सिद्धांत उसके बिल्कुल विपरीत,
उत्तर से दक्षिण में फैली हुई लंबी पर्वत श्रृंखलाएं रोकीज और एंडीज के निर्माण के लिए बात करता है। ये दोनों उल्टे हैं, कोपर का सिद्धांत और किसका सिद्धांत, जोली का सिद्धांत। तो कोपर के सिद्धांत की मेन बात वो है कि वो उत्तर दक्षिण फैले सॉरी पूर्व पश्चिम फैले लंबे पर्वतों की, हिमालय जैसे आल्प्स जैसे पर्वतों की बात करता है, परंतु जोली इसके बिल्कुल विपरीत महाद्वीप के किनारों पर बनने वाले बेसिन। तो देखो यहाँ ये महाद्वीपीय भाग, यहाँ जब अतिक्रमण होगा तो महासागर पीछे जाएंगे और बीच यहाँ छिछला बेसिन बनेगा, और यहीं से जब पर्वत का उत्सर्जन होगा तो यहाँ वाला भाग बलित होकर क्या बनेगा, पर्वत बनेगा। तो किनारे के पर्वतों की बात करता है जोली। ये जोली के रेडियोएक्टिविटी सिद्धांत पर एक छोटी सी बात थी। धन्यवाद आप सभी का। बहुत कौन फोन करेगा, मम्मी फोन करेगी।